पत्रकार दिवस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय पर कार्यशाला का किया गया आयोजन। चतरा समाहरणालय सभा कक्ष में पत्रकार दिवस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय पर कार्यशाला का किया गया, जहां मीडिया विषय पर आयोजित चर्चा कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ उपायुक्त सहित पत्रकारों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जिले के उपायुक्त श्री अबू इमरान ने वर्तमान दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते दखल और मीडिया के प्रभाव पर भी अपनी बातें रखीं। उन्होंने कहा कि आज के समय में कृत्रिम मेधा मीडिया के अलावा जनसंचार के सभी क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। उन्होंने इसके सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों के बारे में बताया, साथ ही कहा कि तकनीकी के इस बढ़ते युग में स्वच्छ एवं बिना बाहरी तत्वों के प्रभाव में आए कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने पत्रकारिता के बदलते स्वरूप के बीच प्रतिस्पर्धा पर भी प्रकाश डाला। श्री अबू इमरान ने जिले के पत्रकारों से कहा कि आपकी सुरक्षा के प्रति भी जिला प्रशासन संवेदनशील है। आपकी किसी भी शिकायत पर प्रशासन त्वरित संज्ञान लेता है। चर्चा सत्र को संबोधित करते हुए चतरा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार ने प्रेस काउंसिल एक्ट 1968 के प्रावधानों पर चर्चा किया। उन्होंने कहा कि मीडिया में तकनीक का दखल बढ़ा है। कार्यक्रम के दौरान जिले से उपस्थित सभी पत्रकारों उपहार के तौर पर कलम, डायरी और शॉल देकर उपायुक्त के द्वारा सम्मानित भी किया गया। पत्रकारिता और समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन के समय से एकमात्र स्रोत रहा जनता को, पदाधिकारियों को, नीति निर्धारण करने वालों को सूचना का। और हम लोग सब जो है, स्वर्णिम दौर जो पत्रकारिता का था, समाचार पत्रों का या रेडियो का या टेलीविजन का, हम लोग सब लोगों ने उस दौर को भी देखा जब केवल सुबह और शाम में आधे आधे घंटे का न्यूज हिंदी, अंग्रेजी में या किसी और भाषा में, उर्दू में या बीबीसी रेडियो हो या शाम का, सुबह शाम का हो, उसके बाद फिर सुबह को जो है समाचार पत्रों का पढ़ना और उससे रात भर की घटनाओं का विस्तृत ये लेना और समाचार पत्रों के माध्यम से भाषा को सीखना, चाहे वो जिस भाषा का अखबार हो, एक भाषा का अखबार जो है उस भाषा को सीखने के लिए, उस भाषा के शब्द को उसको बढ़ाने के लिए, उस भाषा के ग्रामर को बढ़ाने के लिए, नॉलेज के साथ साथ और करंट अफेयर्स के साथ साथ का इस्तेमाल सभी संजीदा लोग, सीरियस विद्यार्थी करते थे, स्टूडेंट करते थे, विशेष करके जिनको किसी भी भारत सरकार के प्रतियोगिता तैयारी में भाग लेना होता था। तो ये बहुत ही पुराना रिश्ता रहता है। इसी प्रकार जो कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो भी समाचार पत्रों का, मीडिया का द्वारा प्रदान किए गए फीडबैक इत्यादि पर से अवगत होते रहते हैं। इस धीरे धीरे चलने वाले दौर में एक बहुत जो क्रांति आई है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कृत्रिम मेधा का। और इस कार्यशाला का उद्देश्य झारखंड सरकार का भी और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का भी यही रहा होगा कि पत्रकारिता को और समाज को हर चीज, ये नहीं कि पत्रकारिता ही नहीं है, प्रशासन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, पुलिसिंग में भी हो रहा है, तो इसी तरह से पत्रकारिता में भी हो रहा है, जिसे बता रहे न्यायपालिका में भी इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। और बहुत हद तक जो सॉर्टिंग इत्यादि का काम था, जो एक आप सीनियर अधिवक्ता के साथ जो जूनियर लोगों का जो कंसेप्ट था, अब वो काम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है। जैसे जूनियर कोई केस आया किसी अधिवक्ता के पास कि ये केस है 379 का, तो पहले वो अपने जूनियर को लगाता था कि जाओ कोर्ट के लाइब्रेरी में या बार के लाइब्रेरी में जाओ, देखो इसमें अभी
लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का क्या आया है, उसी से हम लोग को रिसर्च, तो रिसर्च माइंड जो है पूरा जो है बहुत सारे पेड भी और फ्री भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, डेट वाइज इश्यू वाइज, तो बहुत हद तक काम आसान हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके मीडिया के समाचार पत्र को लिखने में, समाचार पत्र के बनाने, समाचारों को बनाने में, चयन में, उसमें अच्छा से अच्छा ऑडियो वीडियो चीज डालने में, कोई ऐसा टेक्निकल चीज जो पहले आपका सीमित था, यदि मान लीजिए कि आपको कोई ऐसी चीज के बारे में लिखना है जिसको पहले आपको जानने के लिए या तो म्यूजियम जाना पड़ता है या लाइब्रेरी जानी पड़ती है या फिर जो संपर्क करना पड़ता है दिल्ली में या जहां पर उसका ये है, तो आजकल ये सब चीजों को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा मिल जाता है प्रोडक्शन, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी आसान हो गया है। पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन था हॉकर के जरिया, पता नहीं क्या पोजीशन है, हॉकर्स कितने हैं, पहले तो एजेंट और हॉकर बहुत होते थे बड़े बड़े जिलों में, तो बहुत ज्यादा उनका ये होता था टेबल टेबल के माध्यम से, सुबह सुबह जो है एजेंट और हॉकर ये दो चीज जो है बड़े जिला जैसे धनबाद वगैरह में, तो एजेंट जो न्यूज़पेपर का था उसको लोग बाय नेम जानते थे, वो भी अपने हाथ में जो है हस्ती होती थी, आर एन सिंह ने क्या, हम जो छोटे थे तो उनका नाम आता था कि एजेंट है अखबार हिंदुस्तान हिंदुस्तान के थे, पता नहीं अभी कहाँ है, तो फिर हॉकर्स, तो आपको धीरे धीरे जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन में भी आसानी हो गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन में, जहां ठीक है फील्ड आप नहीं जा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं वहां बगैर फील्ड गए हुए भी आप फील्ड का चीजों के बारे में लिख सकते हैं, एक्यूरेट लिख सकते हैं, बगैर आप दुनिया के किसी कोने में गए हुए भी जाते हैं, उसके साथ बहुत तरह का प्रॉब्लम है, आपके जो कंपनी है जो कंपनी जिसका जो मीडिया हाउस है उसका बजट के ऊपर डिपेंड करता है, उसके इस पर डिपेंड करता है, किसी भी जोन में आप आज अगर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो डिपेंड करेगा आपके मैनेजमेंट के ऊपर, और नहीं जा रहे हैं तब भी आपका न्यूज में कंटेंट में जो है, आप आज एक आम पत्रकार भी किसी बड़े मीडिया हाउस को कंटेंट में आर्टिफिशियल न्यूज का इस्तेमाल करके डाल सकता है, किसी सेलिब्रिटी का फोटो जिसके लिए पहले जो है अलग से जाना होता था, वहां से मुंबई में ही रिजर्व था, तो अब ये सब सारी चीजें जो धीरे धीरे आसान हो रही है प्रोडक्शन कंटेंट राइटिंग इसमें। हाँ, इसका ये एक हो रहा है कि लिखित भाषा खत वगैरह का और इन सब चीजों का जो है नुकसान तो हो ही रहा है, शब्द कोश का भी यही हो रहा है, लेकिन अब जैसे जैसे पूरे विश्व में परिवर्तन आ रहा है तो, और जिस तरह से भाषा में परिवर्तन आ रहा है, बीच में ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे भाषा जो है लुप्त हो जाएगी, लेकिन जब मोबाइल वगैरह में उन भाषा का ये आने लगा तो फिर से जाग गया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको बहुत सहायता मिलेगी। और पहले जो नैतिक समस्या थी, एथिक्स, मीडिया एथिक्स की जो बात थी और कुछ कुछ जो कानूनी परिप्रेक्ष्य था उसके संबंध में आपको